वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश शासन के ग्राम विकास आयुक्त ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, परियोजना निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त ग्राम विकास ने आवास योजना के लाभार्थियों का जियो टैगिंग कराने के साथ योजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इनमें से सर 526 अपात्र पाए गए, 526, और उसमें सर 425 डिलीट किए गए। अभी अपर मुख्य सचिव देर में पहुंचने वाले हैं, उससे पहले पट्टे वाले ने जिसको पट्टा दिया गया था, तो उसके बारे में ना कि जो उसका श्रेणी वार उसका पट्टे के लिए जो सूचना मांगा गया था नहीं है, ये चीज है। और रिमांड मॉडल में ये चीज देखना होगा कि न तो लाभान्वित करना है अथवा रिमांड मॉडल में करना है, जो क्लाइंट तक पहुंचना होगा कि उसको जमीन नहीं है तो जमीन दिलाने की, या अन्य कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट तय कराने की। तो लॉजिकल एंड तक पहुंचने के लिए हमें एक एक आवास का 477,000 डाटा जियो टैगिंग करने के साथ नंबर थे, एक भी आवास एक भी आपका शिथिल पर्यवेक्षण या शिथिल कार्य से लोगों के फीडबैक पे और जगह से फीडबैक पे ये लिया गया निर्णय कि इसका एक बार और वेरिफिकेशन हो रहा है। ये बड़ी संख्या है और शायद इतने लोग पात्र न हो। इस क्रम में आप लोगों को डायरेक्शन भेजे गए हैं कि आप जो अपात्र हैं उनका कारण बताते हुए और उनका नाम निर्दिष्ट करिए। जब ये नाम पात्र लोगों के अपलोड हो रहे थे तब ये फॉर्म भरा गया, तो सर्वे करते वक्त उस फॉर्म को जरूर जो सर्वे करने जा रहा है उसके हाथ में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए या सॉफ्ट कॉपी उसके लैपटॉप में होनी चाहिए, क्योंकि उसी को देख के आपको बताना चाहिए कि इसमें कौन सी सूचना गलत है। अदरवाइज अगर वो पुराना फॉर्म लेके आप नहीं जाएंगे मौके पे तो ये वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्लियर ही सर्वे हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आदमी बिना पुराना एप्लीकेशन लिए हुए गाँव में चेक करने नहीं जाए। एप्लीकेशन चाहे उसके पास हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, क्योंकि पिछली बार अगर यूजर आईडी और पासवर्ड के इसको अपलोड किया गया तो इंडिविजुअल यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होने की वजह से आज हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये सब पात्र आदमी का नाम पात्र के रूप में किसने अपलोड, किस सेक्रेटरी ने अपलोड किया या किस वीडियो ने अपलोड किया। इसीलिए इस बार ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो आदमी वेरिफिकेशन कर रहा है उसका यूनिक आईडी होगा, यानी इसको अपात्र कहने का काम किसने कहा, किसने किया, ये सूचना हमारे पास होगी। तो जो आदमी ग्राउंड पे जा रहा है उसके पास वो पुराना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए ताकि वो देख ले कि अगर उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उसने सही से लगा रखा होगा तो अपने आप ही वो एक्सक्लूड हो जाता, वो पात्र नहीं आता, तो उसमें कौन सी गलती उन्होंने की थी ये बात आपके वेरिफिकेशन वाले आदमी को बताना होगा। और जो खंड विकास अधिकारी जुड़े हुए हैं इसमें मीटिंग में और जो पीडी है और जो भी इसको देखते हैं सीडियो सावन, वो इसको सुनिश्चित करें ये दोबारा सर्वे का काम नहीं चालू करना है। इसीलिए पुराने फॉर्म को लीजिए और उसी को दीजिए जो सर्वे के लिए मौके पर जा रहा है, और उसमें वो बताएं कि इसमें ये इंफॉर्मेशन गलत है, और उसको वीडियो सर्वान जरूर खुद से चेक कर लें।